प्लीज सब्सक्राइब एंड शेयर। और सरकार को भी नियमों के पालन को करवाने के लिए कभी ना कभी चाहते हो कि कुछ कड़े निर्णय लेने पड़ते हैं जो हम आप लोगों के सामने आप कुछ निर्णय का हमने आपके साथ प्रस्ताव रखा तो मैं नहीं करता। ये हमारा निर्णय केवल ओम शांति और प्रेम कराने के लिए नहीं करेगा। जो भी कंडीशन विचारों का आदान प्रदान उनको असर करना हो ऐसे विचारों का आदान प्रदान इसके लोगों के बीच जो सदस्य होंगे उनके बीच आप अपने अपने अध्यक्ष महोदय आईडी सिंह साहब को इनवाइट करूंगा कि वो अपने दो शब्द हमारे बीच में कहें और हमारा मार्गदर्शन करें। मेरे सभी साथियों ने बहुत सारी बातें कह दी हैं, ज़्यादा कुछ बचता नहीं है। मैं केवल DPMWA की बात करूँगा। 2006 में हम लोगों ने इस संगठन को बनाया था, तब इसका नाम ग्वालियर मैनेजर्स क्लब रखा था। तो फूलबाग में इटालियन पार्क में इसकी मीटिंग होती थी। 2012 तक हम लोग है ना वहाँ मीटिंग करते रहे, तो 5, 10, 15, 20, 25 लोग वहाँ पर आते थे। उसके बाद हम लोगों ने शिफ्ट किया गोपाल मंदिर पे, तो गोपाल मंदिर पे हमारी मीटिंग होने लगी और धीरे धीरे हमारे सदस्य अपनों को जोड़िए और आपको जोड़ लिए। थैंक यू। मैं बहुत खुश हूँ कि चूंकि AGB है आज एनुअल जनरल बॉडी मीटिंग है, सेकेंड टाइम रिपोर्ट नहीं होगी जब तक AGB का मतलब नहीं होता। तो मैं अपने माननीय सेक्रेटरी महोदय राजेश शर्मा जी को वेलकम करूंगा। प्लीज आइए और खुशी हुई है उनके बारे में प्लीज बताइए। थैंक यू। पूरी वर्किंग कमेटी की तरफ से आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। पिछले 2 साल कोरोना से हम सभी हेलो देखिए भैया, इसके बाद आप लोगों की भी नजर होगी कोसा डेथ की रिपोर्ट पे, वार्षिक योगा जोगा जो आपको चाहिए। लेकिन इससे पहले मैं आप लोगों को थोड़ा सा इन्वॉल्व करूंगा क्योंकि आप लोग भी बहुत देर से बोर हो गए हैं। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, हमारे कुछ सदस्यों ने इस बार फर्स्ट लाइन से सेकेंड लाइन में प्रमोशन लिया है, ठीक है? तो कुछ नाम मेरे पास पता है, कुछ लोग मेरे साथ वाले हैं, पहचान वाले हैं, उनके नाम मुझे पता है। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा जिसने भी अभी फर्स्ट लाइन से सेकेंड लाइन पे प्रमोशन लिया हो, जो यहाँ उपस्थित है उनके नाम जानना चाहूंगा। यदि ऐसा कोई सदस्य हो, मैं 2-3 नाम जानता हूं, जैसे भवर सिंह जी लुपिन से हैं, ज्ञानेन तिवारी जी हमारे हैं, इसके अलावा मुकेश यादव जी हैं, 3 नाम तो मुझे पता थे। इसके अलावा भी यदि कोई सदस्य हो तो प्लीज मुझे बताएं या हाथ खड़ा करें, मैं उनका स्वागत करना चाहूँगा। हाँ, इसके अलावा कुछ सदस्य हमारे इस बार पहली बार जुड़ के आए हैं, उन लोगों से भी रिक्वेस्ट करूंगा वो अपनी जगह पर खड़े हो जाएं, तो हमारे लिए काफी बहुत बढ़िया। ये जो स्ट्रेंथ है ना, यही हमारी स्ट्रेंथ है, सबसे बड़ी बात। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 लोग तो बिना बताए हमको पता ही नहीं थे, वो 12 लोग हमारे साथ जुड़ गए हैं। शर्मा जी आपने नहीं बताया, आप अच्छा आप सेकंड लाइन है इसलिए नहीं बताएंगे। करीब 16 लोगों ने फर्स्ट से सेकंड और सेकंड से थर्ड लाइन प्रमोशन लिया है। ये हमारे संगठन की स्ट्रेंथ है, ये हमको हमेशा साथ देगी
और इनकी जगह चूंकि ये लोग प्रमोट हुए हैं तो इनकी जगह कोई ना कोई आया होगा, ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। आप लोगों का, सभी लोगों का, सभी सदस्यों को बहुत बहुत बधाई हमारे संगठन की तरफ से। अब इसके बाद में हमारे कोषाध्यक्ष एसपीएस तोमर साहब को वेलकम करूंगा। इसके बाद भी पूरा आर्मी बांधते हैं हमारे सह सचिव जी, छोटे से शब्द में बहुत बड़ी बात कह गए क्या है, और वो जरूरी भी है। देखो, हर किसी भी संस्था, परिवार, घर, सब लोग काय के लिए दौड़ भाग कर रहे हैं, पैसे के। और पैसे को जुडिशियसली अपने खर्चा नहीं किया ना तो अंत पता है फिर सब। इसलिए उसको वही खर्च करता हूं मैं जहां जरूरत है और जितनी जरूरत है। धन्यवाद आमंत्रण करने के लिए श्रीमान अध्यक्ष महोदय। यदि वो भी साथ लेगा प्रोग्राम हो तो बोले अरे तुम कितना अच्छा लगता है उस मार्केट में। फिर उन दोनों को या तो अपनी बातों में अपनी अच्छी बातें कर रहे हैं, एक मान लीजिए। ठीक है, इसी के साथ मेरा बोलना समाप्त होता है। कुछ क्वेरी हो, कुछ जानकारी हो, कुछ पूछना चाहता हो पूछ सकते हैं, जाऊंगा। और कुछ सजेशन तो हमेशा वेलकम है, सारे सजेशन जब चाहें तब ग्रुप में सजेशन डालें। बिल्कुल वो स्पेस पर चाहिए, ये तो है हर मिलों की चाहिए। अच्छे वक्त हैं जो सामाजिक प्लेटफॉर्म पर जुड़े रहते हैं, समाज से अच्छे जुड़े रहते हैं और अच्छे कार्य करते हैं। लड़ाई लड़ना कोई इनसे सीखे, अपने हक के लिए, अपने हक की लड़ाई लड़ना ये अच्छे से जानते हैं। धन्यवाद एक बार फिर से इस ग्वालियर फार्मा मेडिकल एसोसिएशन को ये मंच प्रदान करने के लिए। और ऑन अ लाइटर नोट आई विल से दैट कि भैया ठाकुरों में इतने अच्छा अकाउंटेंट नहीं मिलेगा। क्योंकि मेरे साथियों का और मेरे छोटी भाइयों का इनसे एनवायरमेंट में काम करते हैं, किसी को पता है सेल्स है और सेल्स क्योंकि टारगेट ओरिएंटेड है तो आपको जो है स्ट्रेस रहेगा बिकॉज वी आर वर्किंग फॉर समथिंग विच इज नॉट इन आवर हैंड। तो आपके पास है स्ट्रेस है तो आपको जो भी आपकी हायरार्की है, अपर मैनेजमेंट है, वहाँ से थोड़ा बहुत कई बार ऐसी चीज़ें होती हैं कि यू आर फीलिंग द थ्रेट ऑन योर जॉब, तो वहाँ पर ये प्लेटफॉर्म आपके लिए बहुत कारगर है क्योंकि यहाँ पर हमारे पास वरिष्ठ लोग बैठे हुए हैं जिनके पास बहुत रिच एक्सपीरियंस है टू हैंडल दिस सिचुएशन। और जो दूसरा हमारा लाभ है यहाँ का वो ये है कि हम एक सामाजिक सरोकार अपना जो है आगे बढ़ा सकते हैं, क्योंकि ज़्यादातर लोग जो यहाँ पर हैं वो अलग अलग शहरों से हैं, ग्वालियर में जिनके हार्डली कोई रिलेटिव्स हैं, तो क्यों ना हम यहीं अपने रिश्ते बनाएं और इन रिश्तों को आगे बढ़ाएं। धन्यवाद सभी वरिष्ठ साथियों को मेरा प्रणाम और मनचांद सिंह पर बैठे सभी पदाधिकारी को भी। मैं इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से एक बार दोबारा ये कहना चाहूँ, पिछली बार मैंने बोला था कि अपने परिवार में कई नए साथी आए जो पहली बार मैनेजर बने हैं या जिनको भी बहुत कम समय हुआ है मैनेजर बने हुए, तो मैं चाह रहा हूँ कि इसमें अपने सारे सीनियर इतने हैं जिनको बहुत लंबा एक्सपीरियंस है, तो एक कुछ ऐसे छोटे छोटे प्रोग्राम हो जिसमें हम अपने सीनियर्स, अपने भाई, बड़े भाइयों से कुछ आगे सीख सकें जो हमारे करियर में भी हमको हेल्पफुल मिले और कैसे हमको कुछ सिचुएशन हैंडल करनी है कहाँ पर, वो गाइडेंस हमको समय समय मिलता रहे। क्योंकि क्या है, एक मुझे अभी जो लगता है आज मेंबरशिप कम होने का सबसे बड़ा रीज़न है अपने प्लेटफॉर्म का कि हमारे पास लोगों को बुलाने का कोई बड़ा माध्यम नहीं है सिवाय एक AGP या आप कहें एक अनुकूट या प्रोग्राम हुए। अपना काम है कि लोगों को आगे बढ़ाना है तो उनको स्किल डेवलपमेंट में हेल्प मिल रही है। दूसरा, आज हम लोग जिस प्रोफेशन में काम कर रहे हैं या जिस परिस्थितियों में काम कर रहे हैं, एक ऐसा मेडिकल चेकअप अपने जितने साथीगण हैं उनका भी ये कराया जा सके किसी प्राइवेट लैब के थ्रू, तो उसमें वो लोग भी बेनिफिट हो सकते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत सहमत हूँ। और मैं अपने सेक्रेटरीट में और वर्किंग कमेटी में एक प्रस्ताव रखना चाहता हूँ कि अगली जो हमारी जनरल बॉडी मीटिंग होगी, एनुअल जनरल बॉडी मीटिंग तो ये हो ही रही है, जनरल बॉडी मीटिंग जो होगी उसमें हम
एक वर्कशॉप रखेंगे, एक एसपी एक्ट, और हमको किस बात पर हमारे मेडिकल रैप को कम्युनिकेशन देना चाहिए। तुम नहीं करे क्यों फिर करा है? कैरी ऑन कैरी ऑन। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और शेयर करें।